Hello everyone. In the last session, we have discussed our new chapter, that is transportation of materials in plants and animals. And in that part, we have discussed about the transportation in plants, how the materials transport in the plant. Like there is a presence of vascular system. Vascular system is present in the plant body, which consists of vascular tissues. And there are two types of vascular tissues. First one is xylem. And the second one is phloem. So these are the tissues which help in the transportation of different materials inside the plant body. In today's session, we are going to read how the transportation of material takes place in animals. Different animals make is tarike se transportation of material hota hai, materials ka transport kiya jata hai, that we are going to study. So today's topic is transportation of materials in animals. Like we have discussed in the last session, that there on the basis of number of cells, there are two types of organisms: unicellular and multicellular. Unicellular, the organism that contain only single cell. वो organisms जो कि क्या contain करता है, suppose that सिंगल सेल कंसिस्ट करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. एंड द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन्स मोर देन वन सेल आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल. तो अगर हम बात करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, यूनिसेलुलर एनिमल्स की, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द सम ऑर्गेनिज्म विच कंटेन ओनली वन सेल एंड इन देयर बॉडी the transport of materials takes place only via their single cell. Suppose this is an amoeba body. यहाँ पर कोई भी material है जो कि उसको transport करना है, it will simply take this through this cell wall. ये अपनी plasma membrane के through इसको क्या कर लेगा, sorry cell wall नहीं, plasma membrane के through अपने इस food particle को, either जो necessary material है उसको engulf कर लेगा by this single cell wall. While on the other hand, in multicellular organism, there is a presence of a well-developed system which we call a circulatory system. Like in humans. Humans being a multicellular organism and the most complex one, they contain a circulatory system which transport all the required materials, all the necessary materials to whole body. पूरी बॉडी में जो नेसेसरी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है वो कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम. सो वी आर गोइंग टू स्टडी द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इन डिटेल. सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस. द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंटेन्स मेजरली थ्री पार्ट्स. फर्स्ट वन ब्लड, सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स एंड द थर्ड वन इज हार्ट. दीज आर द मेजर थ्री ऑर्गन्स दैट आर प्रेजेंट इन साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी विच प्लेज अ मेजर रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल. लाइक फर्स्ट वन इज ब्लड. ब्लड इज अ लिक्विड विच इज प्रेजेंट इन साइड द ह्यूमन बॉडी. ब्लड क्या है, एक लिक्विड है जो कि ह्यूमन बॉडी के इनसाइड में प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज रेड इन कलर. ये ब्लड क्या करता है, ये ब्लड नेसेसरी मटीरियल्स लाइक डाइजेस्टेड फूड्स उसको इंटेस्टाइन से पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा. ऑक्सीजन दैट वी इनहेल, वो ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं इनहेलेशन के टाइम पर, जब हम अंदर लेते हैं हमारे लंग्स में जो जाती है, वो पूरी बॉडी तक कौन ट्रांसमिट करता है, ब्लड ट्रांसमिट करता है. कार्बन डाइऑक्साइड दैट वी एक्सहेल, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड करता है. सेकेंडली द लिक्विड वेस्ट. हमारी बॉडी में जो भी लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड, वो भी कहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यूरिया के फॉर्म में जो वेस्ट प्रेजेंट होगा वो ब्लड किडनी तक लेकर जाएगा एंड देन किडनी उसको एक्सक्रीट कर देती है, वो प्रोसेस एक्सक्रीशन में बढ़ रही है. एंड द लास्ट वन इज क्या कर रहा है, एक तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब ये तो नेसेसरी मटेरियल्स हैं जिनको वो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है. एंड दीज आर सम वेस्ट प्रोडक्ट विच इट रिमूव्स फ्रॉम द बॉडी. बेसिकली सिंपल वर्क क्या है, सिंपल वर्क इज द
ट्रांसपोर्ट द रिक्वायर्ड मटीरियल, रिक्वायर्ड मटीरियल को ट्रांसपोर्ट करना, अब वो रिक्वायर्ड मटीरियल वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना हो या बॉडी में एंटर करना हो. सो दिस दीज आर द फ्यू फंक्शन ऑफ ब्लड. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी वॉट आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट इन साइड द ब्लड. बेसिकली ब्लड में हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, एक तो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स आर देयर एंड प्लेटलेट्स. दीज आर द फ्यू सेल फ्यू पार्ट्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड. प्लाज्मा इज नथिंग बट अ येलोइश लिक्विड विच कंसिस्ट ऑफ अबाउट 90% ऑफ ब्लड कंटेंट. ब्लड कंटेंट का 90% अबाउट 90% ये येलोइश कलर का लिक्विड ऑक्यूपाई करता है. दैट मीन्स जो ब्लड में फ्लो करने की टेंडेंसी है, जो लिक्विड पार्ट होता है वो क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है. सेकेंड वन इज आर रेड ब्लड सेल्स. दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. दिस वी कॉल्ड RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. ये क्या है RBCs? RBCs आर द डिस्क शेप्ड सेल्स. दीज आर द डिस्क शेप्ड सेल्स एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट डिस्क शेप्ड सेल्स हैं, इनको क्या कहा जाता है, रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन. ये क्या कंटेन करती है, हीमोग्लोबिन कंटेन करती है. एंड दिस हीमोग्लोबिन इज अ रेड पिगमेंट विच कैरी ऑक्सीजन. पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए जो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है, दैट पिगमेंट इज नोन एज हीमोग्लोबिन एंड RBCs हैव दैट पिगमेंट. बेसिकली करती क्या है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके फॉर्मेशन करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का. मतलब लंग्स में सबसे पहले जब हमारे लंग्स ऑक्सीजन लेते हैं तो हीमोग्लोबिन से वो कंबाइन होता है, कंबाइन होने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा. एंड जैसे ही वो सेल्स के पास जाएगा ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएगी और हीमोग्लोबिन वापस से ब्लड में आ जाएगा. सो इन दिस वे द हीमोग्लोबिन कैरी आउट द ऑक्सीजन. एंड इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड भी वो इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करती है. कार्बन डाइऑक्साइड का भी कैरी कौन करता है, दैट मीन्स लंग्स से सेल्स तक ऑक्सीजन को लेकर जाना और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना, वापस उसको लेकर आना, सो दैट वी कैन एक्सहेल दैट, वो काम भी कौन करेगा, हीमोग्लोबिन. एंड एज आई सेड, अगर हमें पता भी है कि ब्लड हमारा कैसा है, रेड कलर का लिक्विड है, लेकिन हमने प्लाज्मा कैसा कहा, येलोइश कलर का है. सो द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन. इसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से, बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर पिगमेंट विच प्रोवाइड्स द रेड कलर टू द ब्लड. ओके, सो दीज आर दिस इज RBC में क्या प्रेजेंट होती है, RBCs में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है विच इज द रेड कलर पिगमेंट एंड विच कैरीज ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. नेक्स्ट वन इज वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स आर द इरेगुलर शेप्ड सेल्स. दीज आर इरेगुलर शेप्ड सेल्स प्रेजेंट इनसाइड द ब्लड. ब्लड में जो इरेगुलर शेप्ड सेल प्रेजेंट होती हैं वो कैसी होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं. दीज आर कलरलेस, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन. एंड इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है इनका, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल. किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल से, बैक्टीरिया से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है, WBCs का होता है. होता क्या है, जैसे कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी सेल में एंटर करेगा, हमारी बॉडी में एंटर करेगा, वंस इट एंटर्स अवर बॉडी WBCs उस पर अटैक करके उसको खत्म कर देती है. सो दैट अवर बॉडी विल नॉट गेट हार्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दैट फॉरन पार्टिकल. उसके फॉरन पार्टिकल की वजह से हमारी बॉडी को कोई भी हार्म कॉज ना हो, उसलिए WBCs क्या करती हैं, उसको वहीं पे किल कर देती हैं. सो इट प्रोटेक्ट्स अवर बॉडी फ्रॉम द फॉरन पार्टिकल और एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया और एनी काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. होता प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स आर द थर्ड काइंड ऑफ सेल विच आर प्रेजेंट इन द बॉडी एंड मेन फंक्शन ऑफ दैट इज टू क्लॉट द ब्लड. क्लॉट द ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग का काम इसका होता है. कैसे ब्लड क्लॉटिंग का काम, लाइक इफ वी गेट इंजर्ड समवेयर तो हमारा ब्लड फ्लो करना, वी स्टार्ट ब्लीडिंग, हमारा ब्लड फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है. ब्लड फ्लो जो करना स्टार्ट होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आने के बाद दैट फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप्स, फ्लो ऑफ ब्लड स्टॉप हो जाता है. एंड आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स अ लेयर ऑन आवर इंजरी. कहीं भी अगर कोई इंजरी है तो उस पर एक लेयर, एक ब्राउन कलर की लेयर, नेट लाइक लेयर इस तरीके से वो डेवलप कर लेता है.
दिस इज वॉट वी कॉल ब्लड क्लॉटिंग. मतलब अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी इंटरनली भी एक्सटर्नली भी कहीं ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो उसको क्लॉट कर देती है, उसको रोक देती है, उसको स्टॉप कर देती है. सो प्लेटलेट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दीज आर द फोर मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्लड. प्लाज्मा विच इज अ येलोइश लिक्विड, 90% कंटेंट ऑफ द ब्लड इज प्लाज्मा. RBCs मतलब रेड ब्लड सेल्स, दे कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच इज अ रेड पिगमेंट एंड विच कैरी ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी. व्हाइट ब्लड सेल्स WBCs, WBCs आर नथिंग बट द इरेगुलर शेप सेल्स, दे आर कलरलेस एंड दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फॉरन पार्टिकल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म. प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट क्या था? ब्लड. नेक्स्ट पार्ट वी मूव टू मूव इज द ब्लड वेसल्स. नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का? सेकेंड वन इज ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स आर नथिंग बट द पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स दैट फ्लो, बिकॉज ऑफ दैट द ब्लड फ्लो थ्रू आउट अवर बॉडी. जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वो वेसल्स क्या कहलाती हैं? ब्लड वेसल्स कहलाती हैं. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर देयर इन आवर बॉडी. फर्स्ट वन आर्टरीज. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है? आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सेकेंडली इट मतलब एक तो क्या कर रही है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है विच इट टेक्स अवे फ्रॉम द हर्ट. मतलब हर्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है? आर्टरीज का होता है. ये क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. व्हाट डज इट मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? दे आर ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड. टू टाइप्स ऑफ ब्लड आर देयर इन आवर बॉडी. ऑक्सीजनेटेड द ब्लड विच इज रिच इन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है. एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द ऑक्सीजन डेफिशिएंट. ऑक्सीजन डेफिशिएंट भी बोल सकते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हमारा क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. हर्ट से दूर लेकर जाना, हर्ट में जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल कराने का काम किसका होता है? आर्टरीज का. फिर कैपिलरीज की बात करें, अब आर्टरीज क्या कर रही हैं? हर्ट से निकलती हैं और हर्ट से पूरे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको बाकी बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती है. लाइक हर्ट से ये आर्टरी निकली और ये फिर फर्दर डिवाइड होगी ब्रांचेज में, फिर ये फर्दर ब्रांचेज में डिवाइड होगी. तो वो ब्रांचेज कह सकते हैं जो हमारी सेल्स में एंटर करती हैं. स्मॉल ब्रांचेज दैट एंटर्स आवर सेल आर नोन एज कैपिलरीज, जो कि एक्चुअल में एक्सचेंज कराते हैं. दीज आर थिन एज अ हेयर स्ट्रेंथ. जितना हमारा एक हेयर का स्ट्रेंथ थिन होता है उतना ही कैपिलरी थिन होती है. एंड इनका मेजर फंक्शन क्या होता है? लाइक दिस इज आवर कैपिलरी, इसमें ब्लड प्रेजेंट हुआ एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज द थिन स्ट्रैंड ऑफ द कैपिलरी. होता क्या है? कैपिलरीज में क्या कंटेन है? कैपिलरीज नाउ कंटेन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या क्या कंटेन करता है? ऑक्सीजन कंटेन करता है, फूड कंटेन करता है. सो सेल्स क्या करेंगी? सेल्स जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेती हैं एंड जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है वो उसमें रिलीज कर देती हैं. लाइक द ब्लड वेसल कंटेन द कैपिलरी कंटेन ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो जो ऑक्सीजन है वो तो सेल्स में ट्रांसमिट हो जाएगा. एंड द सेल विच कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, इट ट्रांसमिट दैट कार्बन डाइऑक्साइड टू द ब्लड. दैट मीन्स अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट कन्वर्टेड टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, सो दिस इज द कैपिलरी. नेक्स्ट वन इज द वेन्स. वेन्स का काम क्या होता है? लाइक द आर्टरीज, बेसिकली कैपिलरी इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो क्या है? हमारा कैपिलरीज है. तो आर्टरीज क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, बट द वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. हर्ट के तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाने वाली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो क्या कहलाती हैं? वेन्स कहलाती हैं.
आर्टरीज आर थिक वॉल्ड, दीज आर थिक वॉल्ड सो दैट दे कैन टॉलरेट द हाई प्रेशर. हाई प्रेशर को वो इजिली टॉलरेट कर सके, उसे उसके उसमें मतलब वो बर्स्ट आउट ना हो. जैसे जब ब्लड बहुत हैवी प्रेशर से आर्टरीज में एंटर होता है तो उस प्रेशर को वो टॉलरेट कर सके, इसे थिक वॉल्ड होती है. जबकि वेन्स हमारी कैसी होती हैं, वेन्स आर द थिन वॉल. देर इज अ स्मॉल एक्सेप्शन देयर. क्या एक्सेप्शन है? पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन. पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन. वैसे अगर हम नॉर्मल फंक्शन देखें तो जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वेल द वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट देर इज एक्सेप्शन. वेन वी स्टडी द सर्कुलेशन वी फाइंड दैट आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, पल्मोनरी आर्टरी कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. वाइल द पल्मोनरी वेन कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विच वी विल स्टडी इन डिटेल वाइल डूइंग द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट विच इज द ब्लड वेसल. फर्स्ट पार्ट वी हैव स्टडीज इन ब्लड. ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. एंड द सेकेंड पार्ट वी स्टडी इज द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स. आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द कैपिलरीज आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. द रेस्ट ऑफ द पार्ट दैट इज हर्ट एंड द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अलॉन्ग विद दैट इज एक्सक्रीशन प्रोसेस. एक्सक्रीशन कैसे होता है बॉडी में वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. So please watch the first video also so that you can understand the transportation in plants. And this is for the transportation in animals. And the rest part of the transportation in animals we'll study in the next one. Thank you so much.